Shall we all look up to God in prayer? क्या हम सब प्रार्थना में प्रभु को निहारेंगे? Our loving heavenly Father. हमारे स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर. Lord, you are our everything. प्रभु तू हमारा सब कुछ है. You are the source of all blessings. सारे आशीषों का सोता आप ही हो प्रभु. Father, पिता, such a mighty God you are. तू इतना सामर्थी परमेश्वर है. But then you are here in this place. और तब प्रभु तू हमारे बीच में भी है. To give every need of everyone here. ताकि हर एक व्यक्ति की जरूरतों को पूरा किया जाए. Stretch forth your mighty hand. अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए प्रभु. And bless them, Lord. और लोगों को आशीर्वाद दें. Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीष दें. Even now, let the heavens be open. इस समय अभी स्वर्ग खुल जाए. And let your blessings come upon this place. और इस जगह में आपका आशीर्वाद आने पाए. Lord, let your eye be here. परमेश्वर आपकी दृष्टियां होने पाए. Let your ear be here. आपके कान हमारे तरफ लगी हो. To answer every one of your children's prayer. आपके हर एक बच्चों की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया जा सके. Lord, keep our hearts open. परमेश्वर हमारे दिल को खोल के रखिए. To listen to your word. कि हम आपकी सरीन आवाज को सुन सके. To receive your word. आपके वचन को ग्रहण कर सके. In Jesus name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Today the Lord says, I am going to give you the hope of glory. परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं तुम्हें महिमा की आशा देने पे हूँ. Our Lord Jesus Christ says. हमारा प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं. I am the giver of everything. मैं सब चीजों का देने वाला हूँ. I am the one who is going to give you the hope of glory. और आज मैं तुमको महिमा का आशा दूंगा. Today it's going to be so glorious. आज का दिन बहुत महिमावंत होने वाला है. You are going to receive all the power from God. आप सारे सामर्थ को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे. It's going to be glorious. और ये महिमावंत होगा. That's what Paul says in Colossians 1:27. और यही बात को कोलोसियों 1 उसका 27 में पौलुस कहता है. Christ living in you is the hope of glory. मसीह जो तुम्हारे अंदर में निवास करता है वो महिमा की आशा है. Let us choose Jesus today. आज यीशु का चुनाव हम कर लें. Wherever you are watching. जहां कहीं भी आप देख रहे हैं. Just receive Jesus. यीशु को ग्रहण कीजिए. You will have the hope of glory. आपके अंदर में महिमा का आशा आएगा. Hallelujah. 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 How many of you want all the power of God? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का सारा सामर्थ्य आपको मिले? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Along with you, I also want all the power from God. और आपके साथ मैं भी चाहती हूँ कि पूरे परमेश्वर का सामर्थ्य मिले. Jesus Christ is the powerhouse. यीशु मसीह वो सामर्थ का जगह है. When we go near to him, जब हम उसके नजदीक भी जाते हैं, we receive his power. हम उसके सामर्थ को ग्रहण करते हैं. But then if we live with him, how glorious it will be. और ये कितना खूबसूरत होगा जब आप यीशु के साथ रहना शुरू करेंगे. Once there was a man called Billy Bray. एक बिली ग्रे बोल के एक व्यक्ति था. Billy Bray. And he was called this glory man. और उसको कहा जाता था कि महिमा का इंसान है. He'll be all the time shouting praises to God. वो हर समय परमेश्वर की स्तुति किया करता था. When he was asked why he was shouting praises to God. और जब Billy Bray से पूछा गया हर समय तुम क्यों परमेश्वर की स्तुति करते हो? He said, I can't help praising God. वो कहा कि मैं परमेश्वर की स्तुति करे बिना रह नहीं सकता. As I go along the road, I lift up one foot and it seems to say glory. और मैं जब चलता हूँ एक पैर उठा के कहता हूँ परमेश्वर को महिमा मिले. And I lift up the other and it seems to say amen. और जब मैं दूसरे पैर को उठाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं आमेन कह रहा हूँ.
So they keep on like that all the time. I am walking. और हर समय ऐसे वो चलता था और स्तुति करता था. He would be all the time praising God, saying, "Glory, Amen, Hallelujah, praise the Lord." हर समय वो कहता था महिमा स्तुति प्रभु की स्तुति हो. And that's why he was called as a glory man. इसलिए उसको लोग कहते थे कि ये महिमा का व्यक्ति है. To those who objected him to be shouting all the time. और जो लोग उसका विरोध करते थे कि ये हर समय चिल्लाता है. He said, if I were put in a barrel, I would be shouting glory to God even through the bunk hole in the barrel. उसने कहा यदि मुझे किसी जगह पे डाल भी दिया जाए ड्रम के अंदर फिर भी मैं प्रभु की महिमा करता रहूंगा. I cannot sit in the barrel silently. मैं उसके अंदर भी चुप नहीं बैठ सकता ड्रम के अंदर भी. Even there I'll be shouting glory to God. वहां पे भी मैं परमेश्वर को महिमा देता रहूंगा. He was full of glory. वो महिमा से भरा हुआ व्यक्ति था. All the time shouting glory to God. हर समय परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहता था. Just after he received Jesus. यीशु को ग्रहण करने के बाद में This glory man was totally transformed. और ये glory जो आदमी था महिमा का व्यक्ति बिल्कुल बदल गया. Before that he was an uneducated man. उससे पहले वो एक अनपढ़ व्यक्ति था. He was a drunkard. वो शराबी था. He was a poor man. और वो गरीब व्यक्ति था. But then after he received Jesus in his heart, जब उसने अपने दिल में यीशु को ग्रहण किया, God changed him totally. परमेश्वर ने उसको संपूर्ण तौर पे बदल दिया. He would be jumping on the street saying glory, hallelujah. वो सड़कों के पर में कूदता था, कहता था प्रभु की स्तुति और महिमा होने पाए. He was full of joy in his heart. वो अपने दिल में आनंद के साथ भरा हुआ था. Nobody could steal his joy. कोई उसके आनंद को चुरा नहीं सकता था. Such glory was upon him. इतनी महिमा उसके ऊपर में थी. And then he became a great preacher and evangelist. और तब वो एक दिन बहुत बड़ा प्रभु का दास और प्रचारक बन गया. Miracles used to happen just like that when he prayed. और जब वो प्रार्थना करता था चमत्कार होते थे. Till he died, he was praising God. और जब तक वो मृत्यु सल्या में नहीं गया वो स्तुति करने वाला व्यक्ति था. Nobody could stop him. कोई उसको रोक नहीं सका. Praising God. प्रभु की स्तुति करने से. Hallelujah. Hallelujah. If we receive, if you receive Jesus in your heart. यदि आप यीशु को अपने दिल में ग्रहण करेंगे. You will be transformed into His glory. आप उसकी महिमा में परिवर्तित हो जाएंगे. God will fill you with His glory. परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भर देगा. Are you not happy, dear friends? क्या आप खुश नहीं हैं, प्रिय मित्रों? God will turn all your sorrows into joy. परमेश्वर आपके सारे दुख को आनंद में बदल देगा. Today we are going to rejoice. आज हम आनंदित होंगे. You are going to rejoice. हम सब मिलके आनंदित होंगे. Believe me, dear friends. विश्वास कीजिए मेरे ऊपर मित्रों. All your sorrows will be turned into joy. आपका सारा दुख आनंद में बदल देगा. Hallelujah. Hallelujah. This Billy Gray. ये Billy Gray जो था. When he was in his deathbed. जब वो अपने मृत्यु सलिया पे पड़ा हुआ था. He said to his wife. उसने अपनी पत्नी से कहा. Even if I die. यदि मैं मर भी जाऊं. Don't cry. रोना नहीं. Be happy. खुश रहना. And give glory to God. और परमेश्वर को महिमा देना. Because I'm not going to die. Only my flesh will die. क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ ये शरीर मरेगा. But then I'll be going to my father's house. तब मैं उसके बाद अपने पिता के घर में जाऊँगा. So rejoice. So इसलिए आनंदित होना. And give glory to God. और परमेश्वर को महिमा देना. Such glory was upon this glory man. इस महिमा व्यक्ति के ऊपर में इतनी प्रभु की महिमा थी. Dear friends. प्रिय मित्रों.
When you love God, जब आप परमेश्वर को प्यार करेंगे, when you join yourself with God, जब आप परमेश्वर के साथ उसके साथ जुड़ जाएंगे, as in 1 Corinthians 6:17, और जब पहला कुरिन्थी 6 उसका 17 में लिखा हुआ है, you will become one spirit with God, आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा में आ जाएंगे, you will become one just like Jesus, आप यीशु के समान हो जाएंगे. You will become God's body. आप परमेश्वर का देह बन जाएंगे. The body of Christ. मसीह का देह बन जाएंगे. How many of you want to be just like Jesus? आप में से कितने लोग चाहते कि आप यीशु के समान बन जाएं? Show your hands to God. अपने हाथ को यीशु को दिखाइए. Even now, cry out to God. और अभी भी परमेश्वर के सामने रोइए. Lord, I want the glory of God. प्रभु मुझे आपकी महिमा को चाहते हम. Let your glory, let your beauty be seen on me, Lord. प्रभु आपकी महिमा और आपकी खूबसूरती मेरे अंदर में दिखें. This should be your cry tonight, dear friends. प्रिय मित्रों, आज आपकी ये रोना होना चाहिए. In the Bible, in Genesis 29:13-14. और उत्पत्ति 29:13-14 में लिखा हुआ है. When Jacob went to Laban, his uncle, his mother's brother. और जब लाबान के पास जो उसका मामा था याकूब जब उसके पास में गया. Laban welcomed Jacob to his home. और लबान ने अपने याकूब को अपने घर में उसका स्वागत किया. He was so happy to receive Jacob. और याकूब को ग्रहण करके वो बड़ा खुश हुआ. He embraced Jacob and kissed him. उसने याकूब को गले लगाया और चुम्बन किया. And he said, "You are my own flesh and blood." उसने कहा, तू ही मेरा मांस और हड्डी का है. Yes, when we go to Jesus. और जब हम यीशु के पास में जाते हैं. Jesus will also embrace us. और यीशु भी हमें गले लगाएगा. Yes, dear friend, if you go to Jesus. हाँ प्रिय मित्रों, जब आप यीशु के पास में जाते हैं. Jesus will gladly embrace you. और तब प्रभु यीशु मसीह बड़े आनंद के साथ आपको गले लगाएगा, आपको चुम्बन देगा. And he will say, "You are my flesh and my own blood." और वो आपसे कहेगा, तू मेरे मांस और हड्डी है. You are my beloved child. तू मेरा प्रिय बच्चा है. Yes. हाँ. This is the hope we have in this world, dear friends. इस दुनिया में ये आशा हमारे पास में है. Of God calling us as His own child. परमेश्वर हमें बुलाता है अपने संतान के तौर पे. As His own flesh and blood. अपना मांस और लहू के तौर पे. You are no longer yourself. सुनिएगा, अब उसके बाद अब अपने आप के नहीं रह जाते. But Christ is living in you. लेकिन मसीह आपके अंदर में निवास करता है. Christ will be living in you. मसीह आपके अंदर में रहेगा. This will be the experience when you receive Jesus gladly into your heart. जब बड़े आनंद के साथ आप यीशु को ग्रहण करेंगे, ये अनुभव आपका होगा. You are no longer Radhika. और अब आप राधिका नहीं रहेंगे. You are no longer Abhishek. आप अभिषेक नहीं रहेंगे. But you are Jesus Christ. लेकिन आप सब यीशु के समान हो जाएंगे. You are Jesus Christ. आप यीशु मसीह के समान होंगे. Hallelujah. Hallelujah. You will become just like Jesus. आप यीशु के समान बन जाएंगे. With this hope, we can live in this world. इस आशा के साथ हम इस दुनिया में जी सकते हैं. Saying, I am God's child. ये बात को बोलते हुए कि हम परमेश्वर के संतान हैं. I am Jesus. मैं यीशु हूँ. I am Jesus Himself. मैं यीशु स्वयं हूँ मैं. Jesus says. यीशु मसीह कहता है. As I live. जैसे मैं जीता हूँ. You will live also. तुम भी जीवित रहोगे. Jesus is not dead. यीशु मसीह मरा नहीं है. He is living in this world. वो इस दुनिया में जीवित है. He is living in you, dear friends. वो आपके अंदर में रहता है प्रिय मित्रों. He is mindful of making you just like Jesus. वो अपने समान बनाने के लिए सोचता है. Yes, hope is a belief that God will work everything for your good. और वो आशा करता है कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा करेगा. God will work everything for your good. परमेश्वर सब कुछ ऐसा करेगा आपके अच्छाई के लिए. Hope is
that belief. Asha wo vishwas hai. My father used to say all the time. Mere pita har samay is baat ko kehte the. As in Psalm 138:8. Bhajan Sangita 138:8 mein likha hai. My God will perfect everything concerning me. Parmeshwar mere sandarbh mein sari baaton ko siddh karega. I am God's child. Main Parmeshwar ka santan hoon. So he will work everything for my good. Meri bhalai ke liye wo sab kuch karega. This is the hope we have in this world. इस दुनिया में ये आशा हमारे पास में है. As in Philippians 1:6. और फिलिपी 1:6 के अनुसार. The Lord who has begun a good work in you. मसीह जिसने तुम्हारे अंदर में भला काम को शुरू किया है. He will complete it until the day of Jesus Christ. यीशु के आने के पहले उसको पूरा भी करेगा. Yes, I know the Lord has already started to do a good work in you. और मैं जानता हूँ प्रभु ने आपके अंदर में अच्छा काम को शुरू किया है. How many of you want God to work in your heart? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके दिल में काम करे? Will you show your hands? क्या आप अपने हाथ को दिखाएंगे? Hallelujah. Hallelujah. I'm so glad that all of you need God to work in your heart. मैं बहुत खुश हूँ कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे. Our flesh is weak. हमारा शरीर दे कमजोर है. But our spirit is willing. लेकिन हमारा आत्मा तैयार है. We have rotten flesh in our body. हमारे शरीर में एक सड़ा गला हुआ सजीवन है. Our righteousness is nothing compared to God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता के समान सामने हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं है. We cannot help ourselves. हम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते. That's why we hope in the Lord. इसलिए हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर में है. When you read a letter, जब आप पत्र को पढ़ते हैं, you will not think about a pen. आप पेन के बारे में नहीं सोचते. But then, those who read a letter, they will be only thinking about what is there in the mind of a writer. और जो लोग पत्र को पढ़ते हैं वो सोचते हैं लिखने वाले के दिमाग में क्या बात होती है. They will be thinking about a person's mind only. और उस व्यक्ति के दिमाग के बारे में ही वो सोचेंगे. That's exactly what you are, a little pen in God's hand. और आप वही हैं, एक छोटा सा पेन परमेश्वर के हाथ में. A tiny little pen in God's hand. एक समय पे परमेश्वर के हाथ में एक छोटा सा कलम. If you want to reflect God, यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन से दिखाना चाहते हैं, just forget about yourself. अपने बारे में भूल जाइए. And surrender yourself into God's hand. अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए. Saying, Lord, I should reflect Your mind to this world. और ये बोलिए परमेश्वर, मैं अपने दिमाग को लोगों में प्रकट करना चाहता. Lord, let the world see You in me, Lord. परमेश्वर, दुनिया मेरे अंदर में आपको देखे. That's what John the Baptist said. इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा. In John 3:30. और यूहन्ना 3:30 में. He said. He must increase. वो कहता है वो बढ़े. The Lord must increase. मसीह मेरे अंदर में बढ़े. But I must decrease. और मुझे घटना जरूरी है. Let the Lord increase in me. मेरे अंदर में मसीह बढ़े. This was his cry. ये उसका एक रोना था. Mother Teresa said. मदर टेरेसा ने यूं कहा. God is writing a love letter to this world. दुनिया को परमेश्वर एक प्रेम भरा पत्र लिख रहा है. In this way, through works of love. और वो काम करता है प्यार के काम के जरिए. Through works of love, the Lord is writing a love letter to this world. दुनिया को परमेश्वर अपने प्रेम के कार्यों के द्वारा पत्र लिख रहा है. The Lord is doing the working. परमेश्वर काम को कर रहा है. He is doing the working for you, dear friends. वो आपके लिए प्रिय मित्रों काम को कर रहा है. You are the work of love. आप परमेश्वर के प्यार के काम हैं. You are the handiwork of God. आप परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि हैं. While you are facing problems. जब आप मुश्किल का सामना करते हैं. You will be saying, I can't do this anymore, Lord. जब आप कहेंगे प्रभु अब मैं इस काम को नहीं कर सकता. Yes, sometimes it happens. और कभी कभी ये बात होती है.
At the height of your problems, you say. और जब आप परेशानियों के समय जब इस बात को कहते हैं, I can't do this anymore. परमेश्वर मैं अब ये काम को नहीं कर सकता. I cannot live in this world. इस दुनिया में मैं जी नहीं सकता. Let me die. मुझे मर जाने दे. Let me die. मुझे मर जाने दे. But then God says. और तब परमेश्वर यूं कहता है, My grace is sufficient for you, my child. मेरा बच्चा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. Yes, hold on to this Jesus. इस यीशु मसीह को थामे रहिए. He is your anchor. वही आपका लंगर है. He is your hope. वो आपका आशा है. He is your everything. वो आपका सब कुछ है. The name of the Lord is a strong tower. मसीह का जो नाम है वो मजबूत गढ़ है. The righteous run into it. और धर्मी लोग उसमें भाग सकते हैं. And they are safe. और वे सुरक्षित रह सकते हैं. Run into the hands of God. परमेश्वर के हाथ में दौड़ते हुए जाइए. And be a little pen in his hands. और उसके हाथ में छोटा छोटा कलम बन जाए. Let God work in your heart. होने दे परमेश्वर आपके दिल में काम करें. We are all waiting for God to say, "Welcome, my dear child." हम इंतजार परमेश्वर इंतजार कर रहा है हमारे स्वागत के लिए. To the place where you belong. ऐसी जगह जहां के आप हैं. My good and faithful one. मेरे विश्वास योग्य धर्मी संतान. Welcome to the place where you belong, my beloved child. जहां के भी तुम हो वहां पे तुम्हारा स्वागत है. One day the Lord will take every one of us to His home. एक दिन यीशु हम सबों को अपने घर ले जाएगा. That is the home we all belong, isn't it? और वो एक ऐसा घर है जिसके हम निवासी हैं. That is our real home. वो हमारा सही घर है. That is our real home. वो हमारा सही घर है. That is our Father's place. वो है हमारे बाप का जगह. He has a mansion for you. आपके लिए वो महल बना के रखा है. Not a small house. छोटा घर नहीं. But then he has a big mansion for you. आपके लिए वो महल बना के रखा है. It will be so glorious when you go there. जब आप वहां पे जाएंगे वो बहुत महिमावंत होगा. It is a glorious place. वो एक महिमावंत जगह होगा. That is the hope we have in this world, dear friends. इस दुनिया में रहते हुए हमारे पास ये आशा है. That is the real hope of glory. वो महिमा का आशा वास्तव में वह है. The Lord is offering you the hope of glory. और परमेश्वर आपको तोहफा में देना चाहता महिमा का आशा. I know many of you are crying in this world. आप में से कई लोग इस दुनिया में रोते बिलखते हैं. Unable to bear the problems in life. जीवन की परेशानियों को आप बोझ नहीं उठा सकते. Losing your loved ones. अपने प्रिय लोगों को खो देना. Losing your health. अपने स्वास्थ्य को खोना. Losing your wealth. आपके संपत्ति को खोना. Losing the blessings. आशीर्वाद को खोना. You are crying. आप रो रहे हैं. Lord, take me home. प्रभु तू मुझे घर ले जा. Take me to the home where I belong. प्रभु उस घर को ले जा जहां का मैं हूं. Yes, the Lord is ready to give you such a glory. परमेश्वर ऐसी महिमा देने के लिए आपको तैयार है. The hope of glory. महिमा की आशा. We may live in this world of pain. हो सकता है कि आप इस दुनिया में रहते हैं जो दर्द है. This world is the glory that is in this world is nothing compared to the glory that is in heaven. जो इस दुनिया की महिमा है स्वर्ग की महिमा के आगे कुछ भी नहीं. Hallelujah. 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 How many of you want such a glory? आप में से कितने लोग ऐसी महिमा को चाहते हैं? How many of you are ready to go to your place that is in heaven? आप कितने लोग तैयार हैं कि आपके लिए जो प्रभु ने घर बनाया वहां पे आप जाएं? Come on, show your hands to God. अपने हाथ को परमेश्वर को दिखाएं.
Hallelujah. Hallelujah. God says, परमेश्वर कहता है, Welcome to your home. अपने घर में तुम्हारा स्वागत है. My good and faithful one. मेरे विश्वास योग्य लोगों. Well done. अच्छा किया तुमने. Well done. अच्छा किया. You've been faithful in small things. तुम छोटे बातों में भी ईमानदार रहे. And you'll be ruler over many things. और तुम बहुत सारी चीजों के पर में अधिकारी हो गए. This is the only word we want from God, isn't it? इस सिर्फ हमें यही शब्द चाहिए उसके जरिए क्या सही नहीं है? All of us are waiting for God to say that. हम सब इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर इस बात को कहें. That's why we are persevering in this world. इसलिए हम इस बात का दुनिया में पीछा कर रहे हैं. With so much of patience. हमारे पास इतना धीरज है. We are waiting to go to our home. हम इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने घर को चले जाएं. The Lord is mindful of giving you the hope of glory. परमेश्वर पिता ये चाहता है कि आपको महिमा का आशा दें. Let every one of you cry to God. आप में से हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर के सामने रोए. Everyone here. हर एक व्यक्ति यहाँ पे. Don't depend upon this world. इस दुनिया के पर में निर्भर मत रहिए. Cling on to Jesus. यीशु को थाम लीजिए. And cry out. और रोइए. By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में. We will have the strength to live in this world. हमारे पास पल रहेगा कि हम इस दुनिया में जी सकें. Our Lord is mindful of giving us all the power which He has. जो सामर्थ है प्रभु तैयार है कि हमें सामे सारे सामर्थ हमें दें. Cry out tonight. रोइए आज की रात. Cry out tonight. रोइए आज की रात. Cry out to God. रोइए प्रभु के सामने. Wherever you are. जहाँ कहीं भी आप हैं. Rise up. आप उठिए. And cry out to God. और परमेश्वर के सामने पुकारिए. The Lord has blessed these two families so gloriously. इन दो परिवार को परमेश्वर ने कितने महिमा के साथ में भरा है. More than they could imagine. आप कल्पना से बाहर हैं. The Lord has blessed them. प्रभु ने इनको आशीष दी है. Will He not bless you also, dear friends? क्या प्रिय मित्र वो आपको आशीष नहीं देगा? You will become a glory man. आप एक महिमा वाला व्यक्ति बन जाएंगे. You will become a glory woman. आप एक महिमा वाली स्त्री बन जाएंगे. Will you all stand up to your feet? हम सब अपने पैरों में खड़े हो जाएं. And receive the glory of God. आप परमेश्वर के महिमा को ग्रहण करें. Wherever you are. जहां कहीं भी आप हैं. Rise up. वो खड़े होइए. Rise up. खड़े होइए. And cry out to God. परमेश्वर के पास पुकारिए. Lord, I need your glory. बोलिए प्रभु मुझे आपकी महिमा चाहिए. I need your righteousness. आपकी धार्मिकता चाहिए. I need your power. आपका सामर्थ्य चाहिए. Lord, I want to be just like you, Lord. मैं आपके समान बनना चाहता हूँ यीशु. Cry out. Don't cry out thinking about your problems. अपने परेशानी को सोच के मत रोइएगा. They are nothing compared to the glory of heaven. स्वर्ग के महिमा के सामने वो कुछ भी नहीं. Look up. देखिए. Look up to Jesus. यीशु को देखिए. The author and finisher of your faith. आपके विश्वास का कर्ता और समाप्ति कर्ता. Cry out. रोइए. Cry out to God. परमेश्वर के पास रोइए. For God to come and live in you. कि प्रभु आपके अंदर में आके निवास करे. For God to make you come and live in your home in heaven. कि परमेश्वर आपके लिए घर बनाए कि आप स्वर्ग में निवास करें. That is your original place. वही तो आपका मूल निवास है. That is the place you belong to. वही जगह आपका है. Cry out for heavenly blessings. स्वर्गीय आशीषों के लिए. For heavenly blessings. स्वर्गीय आशीषों के लिए रोइए. This place is going to be transformed just like heaven. और ये जगह स्वर्ग के समान बदल जाएगा. Believe. विश्वास करें. Believe. विश्वास करें. Wherever you are. जहाँ कहीं भी हैं. Cry out. रोइए प्रभु के सामने. रोइए. The Lord's glory has come upon this place. परमेश्वर की महिमा इस जगह में आ गया. मुख खोल के प्रभु से प्रार्थना कीजिए. Christ Jesus is coming into your heart. मसीह यीशु आपके दिल में आ रहा है. Are you ready to receive him? क्या आप तैयार हैं उसे ग्रहण करने के लिए? Open your heart. अपने दिल को खोलें. Open your mouth. अपने मुंह को खोलिए. And give praise.
praises to God. प्रभु की स्तुति कीजिए. Just thank God. और प्रभु को धन्यवाद दीजिए. Thank God. धन्यवाद दीजिए. Thank God. धन्यवाद दीजिए. He is already filling you with His glory. वो अपनी महिमा से आपको भर रहा है. With His glory. अपनी महिमा से भर रहा है. With the same glory of Jesus Christ. वही मसीह के महिमा. Not like a man, मनुष्य के जैसा नहीं, but like God, परमेश्वर के जैसा, from glory to glory, महिमा से महिमा, from strength to strength, बल से बल, from joy to joy, आनंद से आनंद, hallelujah, hallelujah, the Lord is rising up within you, परमेश्वर आपके अंदर में उठ खड़ा हो रहा है, receive, पाइए, receive the power of God, परमेश्वर के सामर्थ को पाइए. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. He is coming into you. वो आपके अंदर में आ रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Our Lord Jesus is walking in your body right now. हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर से बीमारी को निकाल रहा है. ठीक हो जाएं. Be healed. ठीक हो जाएं. Come on, open your mouth and praise God. अपने मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद. You be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं. Hallelujah. 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 The Lord is giving you fresh anointing. परमेश्वर आपको ताजा अभिषेक दे रहा है. Where the Spirit of the Lord is, जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है, there is deliverance. वहाँ पे छुटकारा है. There is deliverance. वहाँ पे छुटकारा है. Father, open your eyes. परमेश्वर इनकी आँखों को खोल दे. Let your people see now. आपके लोग देखने पाए. Let the blind eyes be open in Jesus' name. अंधी आँखें यीशु के नाम में खुल जाए. Be healed. Pine. Be healed. Pine. Let the throat problems be healed. गले की परेशानी जाती रहे. The thyroids be healed. Thyroids चंगाई पाए. Let the voices, the breaking voices be healed. टूटती हुई आवाजें चंगाई को प्राप्त करे. Let them speak normally. और आम तौर पे वो बातें करने पाए. Let the stammering tongues be healed. हर एक तोतले बोली सही हो जाए. Touch them and heal them, Lord. को छुई और चंगाई दे. Everywhere here the healing power is here. जहाँ कहीं भी चंगाई करने का सामर्थ्य यहाँ पे है प्रभु. Wherever you are watching, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, the Lord is healing you. प्रभु आपको चंगा कर रहा है. Wherever the sickness is on, जहाँ कहीं बीमारियाँ हैं, put your hands. अपने हाथ को रखिए. Wherever you have sickness, जहाँ कहीं भी बीमारी है, the Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहा है. The headaches are being healed. सर दर्द जा रहा है. The neck pains are being healed. गर्दन की दर्द जा रहा है. Touch them, Lord. प्रभु छुइए. And be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगाई को पाए. Be healed. पाए चंगाई को. Rise up. उठिए. Rise up and walk. उठ के चलिए. Let the legs be healed. पैर ठीक हो जाएं. Like the crippled man who leaped up with joy. और लंगड़ा व्यक्ति जो उठ के चलने फिरने कूदने लगा. Let your children rise. आपके बच्चे उठने पाए. हालेलुया. 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 थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद स्वामी. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु. ऑल द प्रॉब्लम्स इन द नीज आर बीइंग हील्ड. घुटने की तकलीफ यीशु के नाम में ठीक हो रही है. द ब्रेन्स आर बीइंग हील्ड. और सपने ठीक हो रहे हैं. टच देम लॉर्ड. उनको छुइए प्रभु. द ट्यूमर्स इन द ब्रेन इज बीइंग हील्ड. दिमाग में जो ट्यूमर है अदृश्य हो रहे जा रहे हैं. बी ही चंगाई को पाए. बी ही चंगाई को पाए. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. वेयरएवर द ट्यूमर्स आर. जहाँ कहीं भी ट्यूमर्स हैं. Thank you, Lord, for healing them, Master. धन्यवाद प्रभु उनको चंगाई देने के लिए. Believe. विश्वास कीजिए. Believe. विश्वास कीजिए. Believe. विश्वास करें. The tumors are shrinking and they are leaving you right now. और ट्यूमर छोटे हो रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं. Touch them, Lord. छुइए प्रभु. Be healed in Jesus. यीशु के नाम में चंगाई को पाए. Come on, praise God. आइए थाली बजा के प्रभु धन्यवाद दे. Believe God. विश्वास कीजिए. And praise. उसकी स्तुति करें. Praise him. स्तुति करें. The infections are being healed. हर एक
इन्फेक्शन ठीक हो रहे हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर बीइंग हील्ड. और हर एक पेशाब के जो यूरिनरी इन्फेक्शन है ठीक हो रहा है. गॉड्स हैंड इज कमिंग अपॉन यू. परमेश्वर का हाथ आ रहा है. एलर्जीज आर बीइंग हील्ड. आपके एलर्जी ठीक हो रहे हैं. ऑल द सिकनेसेस अनटू डेथ आर बीइंग हील्ड नाउ. हर एक बीमारी जो मौत के हैं वो ठीक हो रही है. राइज अप फ्रॉम योर डेथ बेड. आप पर मृतक शैया से चंगाई को पाएं. यू कैंसर्स लीव द बॉडी. कैंसर शरीर को छोड़ के जाए. बी हील्ड. चंगाई पाएं. बी हील्ड. चंगाई पाएं. टच देम लॉर्ड. प्रभु छुइए. हैव कंपैशन ऑन देम. इनके पर मैं तरस खाइए स्वामी. एंड हील देम लॉर्ड. और इनको ठीक कीजिए. लॉर्ड दे मी बी इन द हॉस्पिटल बेड. परमेश्वर हो सकता है अस्पताल के बिछौने में. लेट योर हैंड कम अपॉन देम लॉर्ड. उनका आपका हाथ उनके पर में आए. हील देम लॉर्ड. चंगाई दीजिए स्वामी. हील देम लॉर्ड. चंगाई दीजिए प्रभु. बी द मोर्ड विद कंपैशन. आप तरस के साथ में भर के काम कीजिए. हील देम लॉर्ड. चंगाई दे. हालेलुया. 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 सम आर प्रेइंग जस्ट लाइक दैट. कुछ लोग ऐसी दुआ कर रहे हैं. आई शुड आल्सो टेस्टिफाई लाइक दिस. मैं भी ऐसी गवाही देने पाऊं. बिफोर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हजारों लोगों के सामने. लॉर्ड विल यू हील मी लॉर्ड. क्या प्रभु आप मुझे चंगा करेंगे. फादर आंसर देयर क्राई. परमेश्वर इनकी पुकार को answer them Lord Jesus. उत्तर दीजिए स्वामी. Heal them Lord. इनको चंगाई दे. Heal them Lord. चंगाई दे स्वामी. Heal them now. चंगाई दे. Let the stomach problems be healed. पेट की तकलीफ ठीक हो जाए. Touch them Lord. उनको छुइए. Touch them Lord. छुइए. The intestines be healed. उनके अतड़ियां ठीक हो जाए. Let the ulcers be healed. अल्सर ठीक हो जाए. Hallelujah. 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 Let the kidneys be healed. किडनी यीशु के नाम में ठीक हो जाए. स्पर्श कीजिए. Resurrect them must. उनके अंदर में पुनरुत्थान को पाइए. Let the dead people come alive. और मरे हुए लोग जीवित हो जाए. Let the dead organs come alive. मृतक अंग फिर से जीवित काम करने लगे. In Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. Resurrect them Lord Jesus. उनको पुनरुत्थित करें प्रभु. Right now. इसी समय. Right now. इसी समय. Thank you for the healing miracles that are happening all over this place. पूरी जगह पे आप कर रहे हैं. Wherever they are watching. जहाँ कहीं भी देख रहे हैं. I know you are healing them also, Lord. मैं जान रहा हूँ प्रभु आप उनको भी ठीक कर रहे हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद स्वामी. The things, the unwanted things on the face. चीजें में चेहरे में जो चीजें हैं. The marks on the faces. जो चेहरे में दाग हो गए. Are being healed. ठीक हो जाएं. Thank you, Lord. धन्यवाद स्वामी. The black marks on the face. चेहरे में जो काले धब्बे हैं. The Lord is touching you and healing you. प्रभु आपको छू रहा है, चंगाई प्रदान कर रहा है. The patches are being healed. और कैंसर ठीक हो रहे हैं. The white patches are being healed. जो सफेद दाग है ठीक हो रहे हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद स्वामी. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. All the deficiencies. हर एक कमजोरियां. Let them be healed. वे चंगाई को पाएं. Lord, heal the blood, Lord. परमेश्वर उसको आप ठीक करें. Touch them, Lord. स्पर्श कीजिए प्रभु. Touch them, Lord. स्पर्श करें प्रभु. And heal them, Master. और उनको चंगाई दें. Many are praying for wisdom. आप में कई लोग प्रार्थना कर रहे बुद्धि के लिए. You are saying, I'm not having enough memory power. आप कह रहे मेरे पास इतनी स्मरण शक्ति नहीं है. I'm not having enough wisdom. इतना बुद्धि नहीं है. The Lord's Holy Spirit is coming upon you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आ रहा है. Bless them, Lord. आशीर्वाद दीजिए. Bless their children, Lord. उनके बच्चों को आशीष दे. Bless their career. उनके भविष्य को. Bless their businesses, Lord. उनके व्यापारों को आशीष दे. Father, those who are not having job. जिनके पास नौकरी नहीं. Give them a job. उनको नौकरी दीजिए. Give them a house. उनको घर दीजिए. Give them a partner in their lives, Lord. उनको जीवन साथ Bless their finances, Lord. उनके प्रभु जी हर एक आर्थिक बातों में आशीष दें. No more financial problem. अब आर्थिक तंगी ना होने पाएं. Prosper them, Lord. उनको उन्नति दीजिए. Prosper them, Lord. उनको उन्नति दे प्रभु. Prosper them, Lord. उन्नति दे प्रभु. Let your glory come upon them, Lord. आपकी महिमा इनके ऊपर में आने पाए. Right now. इसी समय. Right now. इसी समय. The Lord is lifting you up. परमेश्वर आपको उठा रहा है. Lifting you up. उठा रहा है. You will have government.
government jobs. आपके पास सरकारी नौकरी होगी. You will have wonderful jobs. आपके पास अच्छे नौकरी होगी. Beautiful businesses. आपका अच्छा अद्भुत व्यापार. Do you believe that? आप विश्वास करते हैं? Will you all clap your hands and thank God? यदि आप विश्वास करते हैं, सब ताली बजाएं. Thank God. धन्यवाद दें. Thank God. धन्यवाद दें. Thank God. धन्यवाद दें परमेश्वर. The Lord has transformed you just like Him. परमेश्वर ने अपने समान आपको बदल दिया है. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Give glory to God. सारी महिमा प्रभु को दें. Give glory to God. सारी महिमा प्रभु को दें. Say thank you, Lord. बोलिए धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. For your abundance that has come upon me. आपकी बहुतायत जो मेरे ऊपर में आई है. The Lord has satisfied many of you here. आप में से परमेश्वर ने कईयों को संतुष्ट किया है. Thank you, Jesus. धन्यवाद स्वामी. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. Wherever you are watching, जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, I bless you, dear families. प्रिय परिवार में आपको आशीषित करती हूँ. You may be going through family problems. हो सकता है परिवार समस्या में से होके गुजर रहे. Today the Lord is uniting you. परमेश्वर आज आपको परिवार के तौर पे जोड़ रहा है. He is blessing your family now. अभी आपके परिवार को आशीष दे रहा है. Bless them, Lord. उनको आशीष दे. Bless them, Lord. आशीष दे प्रभु. Bless them, Lord. आशीष से प्रभु. Bless every broken family. हर एक टूटे हुए परिवार को आशीष दे. Let them be united miraculously. परमेश्वर चमत्कारी तौर पे वो एक हो जाएं. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु.